आज का पहला कोर्स आपका बिजनेस फंडामेंटल्स के ऊपर रहने वाला है। तो जो भी लोग अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, आप लोग इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बिल्कुल जीरो है, यानी कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 4 दिन के अंदर अंदर देख रहे हैं और वीडियो को रोजाना टाइम पर देखने के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको डेली के डेली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स मिलते रहेंगे। कोर्स फ्री लेना बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको टॉप पर दिख रहा नंबर नोट डाउन करना है, जैसे कि इस कोर्स का नंबर है 1। अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है नीचे, वहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर के आगे जो भी लिंक होगा बिटली का ब्लू कलर में, आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप लोग डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर जो कूपन है ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर आप वीडियो टाइम पर देख रहे हैं तो कोर्स भी आपको फ्री देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ये एनरोल नाउ का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आप लॉगिन या साइन अप कर सकते हो, जो कि आप गूगल, फेसबुक, एप्पल की हेल्प से कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है, फटाफट से लॉगिन करके आप लोगों को आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग लॉगिन साइन अप कर लोगे और उसके बाद कोर्स में एनरोल हो जाओगे, आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कोर्स का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ से आप कोर्स की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोर्स में सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले कोर्स कंप्लीट करना, ओवरव्यू नाम वाले सेक्शन पे आना, नीचे स्क्रॉल करोगे, सेकंड सब सेक्शन आपका सर्टिफिकेट्स का है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट का एक बटन भी दिखेगा यूडेमी सर्टिफिकेट नाम से। पर यह बटन तभी अनलॉक होगा जब आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो पहले कोर्स को कंप्लीट कर लेना, फिर आपका ये बटन भी अनलॉक हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करके आप लोग भी सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, और इनके सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं। अगर आप इनके रिज्यूमे वगैरह में डालोगे तो आपको वहाँ से इंटर्नशिप्स या जॉब्स बड़े ही आराम से मिल जाएंगी। और अगर आप आगे भी इसी तरीके से फ्री में कोर्सेस और सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हो। और आप लोग, हम चलते हैं दूसरे कोर्स की तरफ, जो कि आपका एग्ली का कोर्स रहेगा। एग्ली आपको BBA और MBA में काम आएगा। ये मैनेजमेंट साइड में एक टूल है जिसको आप यहाँ से सीख सकते हैं। कोर्स आपका 1.5 घंटे का है। कोर्स फ्री लेने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा सारे कोर्सेज के साथ। जो भी कोर्स अच्छा लग रहा हो, नंबर देखो, डिस्क्रिप्शन में जाओ और कोर्स को एनरोल कर लो। बस इतना ही छोटा सा प्रोसेस रहने वाला है। थर्ड कोर्स आपका यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट का सेट रहेगा। अब प्रैक्टिस टेस्ट का सेट रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स ही मिलेंगे, यानी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हो कि कौन से कोर्स में सर्टिफिकेट और कौन से में नहीं। और सारे के सारे कोर्स में एनरोल मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका यूडेमी अकाउंट बैन भी हो सकता है। नेक्स्ट कोर्स 4th नंबर पर रहेगा, रोबोटिक्स के ऊपर आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कोर्स के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के ऊपर MCQ टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट कोर्स वाटर ट्रीटमेंट का रहेगा एक कोर्स, जिसके अंदर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होती है वो यहाँ पे बताई जाएगी। नेक्स्ट कोर्स 7th नंबर का रहेगा, एथिकल हैकिंग के ऊपर आपको प्रैक्टिस टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और एथिकल हैकिंग के ऊपर अगर आपको कोर्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोर्स आए मैं वीडियो में ऐड कर दूं। 8th कोर्स इटालियन का रहेगा, तो अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 9th कोर्स GCP सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर्स का प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। अगेन यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स रहेंगे। अब प्रैक्टिस टेस्ट को करने से फायदा ये रहता है कि जो भी अगर आपका एग्जाम रहेगा आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
कोर्स स्प्लंक का रहेगा। स्प्लंक बेसिकली आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से जान सकते कि क्या चीज है और कहाँ जाके काम आती है। नेक्स्ट कोर्स लिंक बिल्डिंग का रहेगा, जो भी लोग SEO लिंक बिल्डिंग कंटेंट राइटिंग चीजें सीखना चाहते हैं आप लोग इस 6.5 घंटे वाले कोर्स को ले सकते हैं। 12th नंबर पे JNCIA का, यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, तो ये भी आपका IT में काम आता है, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स माइक्रोसॉफ्ट Azure फंडामेंटल्स का प्रैक्टिस एग्जाम, साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स है, तो कोर्स पहली बार आया है, प्रैक्टिस एग्जाम तो आता ही रहते हैं, तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट तो इस कोर्स को जरूर कर लेना, मिस मत करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी यहां से फ्री में कोर्स और सर्टिफिकेट्स ले पाए। 14th कोर्स पर्सनल फाइनेंस अवेयरनेस का कोर्स रहने वाला है। 15th कोर्स जावास्क्रिप्ट एंड PHP का कंबाइंड कोर्स है, जो कि आपको वेब डेवलपमेंट में काम आएगा, तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 18th कोर्स पाइथन का रहेगा, तो जो भी लोग पाइथन जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा साइंस में और एनालिटिक्स में बहुत जगह काम भी आती है, आप लोग इसको ले सकते हो, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको 2 प्रोजेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स का मिलेगा, तो अगर आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। 18th कोर्स एक्सेल VBA का रहेगा, तो एक्सेल VBA का कोर्स बहुत कम आता है, 2 से 3 हफ्तों में एक बार रिपीट करता है, तो अभी आ रखा है तो आप लोग फटाफट से कोर्स को ले सकते हैं। 19th कोर्स इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स है, तो जो भी लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करवाना चाहते हैं आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की तरफ चल रहेंगे, जो कि 20th नंबर पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, ये भी आपका वेब डेवलपमेंट के अंदर काम आता है कि आपको होस्ट मल्टीपल डोमेन्स कर सकते हो आप लोग, वो भी सिर्फ एक वर्चुअल सर्वर की हेल्प से। 21 नंबर के कोर्स में अगर आप लोग Ubuntu पे वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो टूल्स हैं जैसे NGINX, PHP, MySQL, SSL, WordPress जैसी चीज़ें कैसे इंस्टॉल होंगी वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। 22 नंबर पे Adobe Lightroom का कोर्स है, जो कि बहुत ही अच्छा टूल रहता है अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं या खुद की नॉर्मल फोटो भी एडिट करना चाहते हैं, तो उस जगह में ये टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट कोर्स अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं, वेब डेवलपर हैं तो आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए, तो यहाँ आप कर सकते हो SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करके, वो कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ आपको इस 1 घंटे के कोर्स में बताया जाएगा, और ये वाला कोर्स 10 से 15 दिन में रिपीट कर जाता है, तो अगर आपसे कोर्स मिस भी हो जाए तो आने वाले 10 से 15 दिन तक रेगुलर वीडियो देखना, आपको डेफिनेटली कोर्स मिल जाएगा। 24th नंबर पे AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स है। 25th कोर्स HTML5 का कंप्लीट कोर्स रहेगा, जो भी लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं आप लोग HTML5 को जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। 26 नंबर पे Amazon Elastic Compute Cloud EC2 जिसे बोला जाता है वो यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। 27th नंबर पे Azure Virtual Desktop का कंप्लीट कोर्स है, इसके प्रैक्टिस टेस्ट भी रहते हैं, तो अभी आप कंप्लीट कोर्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स Redis डेटाबेस कैसे बनाना है वो यहाँ पे सीख सकते हो। नेक्स्ट कोर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग्स रेगुलेट कैसे होते हैं, उनके डेवलपमेंट कैसे होता है, वो यहाँ पे आप लोग चीजें सीख सकते हैं। 30th नंबर पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग आपको कोर्स मिल जाएगा, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं। 31 नंबर पे कैम्प सर्टिफिकेशन का प्रैक्टिस टेस्ट है, यानी सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिटी का प्रैक्टिस एग्जाम आपको मिल जाएगा। 32 नंबर पे सेल्स फनल कैसे बनानी है वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स बिग डाटा का रहेगा, जिसमें कि आपको बेसिक्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे। 34th कोर्स यहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स स्टोर कैसे करना है, माइनिंग और विजुअल्स, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 35th कोर्स यहाँ पे आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SQL क्वेरीज कैसे लिखनी है, Azure स्टूडियो कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा 36 नंबर पे बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग कोर्स आपको मिल जाएगा,
तो जो भी लोग लॉ कर रहे हैं, एलएलबी वगैरह कर रहे हैं, वो लोग इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। 37th कोर्स टाइम मैनेजमेंट का रहेगा, जो कि सभी के लिए कॉमन कोर्स है, कोई भी आकर इसमें एनरोल कर सकता है। 38 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस का प्रैक्टिस एग्जाम रहेगा। 39 नंबर पे फाइनेंस सर्टिफिकेशंस का एक एग्जाम रहता है, ABA CTFA यानी सर्टिफाइड ट्रस्ट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स का प्रैक्टिस एग्जाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 40th नंबर पे पाइथन के रिगार्डिंग जो आपको टेस्ट रहता है, प्रैक्टिस एग्जाम सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर, वो आपको आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कोर्स कार रिपेयरिंग का रहेगा आप लोगों के लिए, छोटी मोटी कार रिपेयरिंग आप यहाँ से इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स प्रिंस टू फाउंडेशन का प्रैक्टिस एग्जाम है। 43 नंबर पे AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर्स का प्रैक्टिस एग्जाम मिल जाएगा आप लोगों के लिए। 44 नंबर पे AWS DevOps इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स का प्रैक्टिस एग्जाम है। 45 नंबर पे यहाँ पे आपको फाइनेंस सर्टिफाइड एंड एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक कोर्स मिलेगा, जो कि कंडेंस नोट ऑफ FRM का पार्ट वन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स बताए जाएंगे। 46 नंबर पे क्लाइमेट चेंज का आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। 47th कोर्स अगर आप Amazon के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। 48th कोर्स कॉपीराइटिंग का रहने वाला है आप लोगों के लिए। 49th कोर्स यहाँ पे आपको एनालिसिस कैसे की जाती है, इक्विटी एनालिसिस, वो यहाँ पे आपको बेसिक से बताया जाएगा। नेक्स्ट कोर्स 50th नंबर पर रहेगा, तो अगर आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स मीडिया ट्रेनिंग का रहेगा। 52 नंबर का कोर्स आपको यहाँ पे वाइन एप्रिसिएशन और ओनोलॉजी के ऊपर कोर्स है, कि हाउ टू एंजॉय वाइन मोर एंड स्पेंड लेस मनी, कम पैसों में ज्यादा फन कैसे करना है वो यहाँ पे सीख सकते हो। 53 नंबर का कोर्स इज योर AI फंडामेंटल्स का कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट्स का प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। 55 नंबर पे एफिनिटी पब्लिशर्स का यहाँ पे कोर्स मिलेगा, जो कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। और जो आज का आखिरी कोर्स रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, कोर्सेज पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले फ्री कोर्सेज आप लोगों तक पहुँचते रहे रेगुलर बेसिस पर डेली के डेली। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।